नमस्कार सभी को, मैं धनाराम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर से लेक्चर कंप्यूटर साइंस। आज कंप्यूटर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए CS 304 सब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है उसके MCQs कुछ कवर करेंगे। MCQ क्योंकि इस साल से 30 नंबर का MCQ डिसाइड किया गया है और 40 नंबर का वो पुराने पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 नंबर जो हैं MCQ के रहेंगे। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQs का कवर किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है, सिस्टम स्टडी के अंतर्गत आता है, यानी सिस्टम स्टडी में क्या क्या कंसिडर होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के स्टडी करना, एग्जिस्टिंग सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन करना, या फिर सिस्टम की कमियों को आइडेंटिफाई करके निर्धारित करना और उनको रेक्टिफाई करना। तो एग्जिस्टिंग स्टडी जो भी है सिस्टम स्टडी के अंदर ये सभी काम होते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए कौन सा प्राथमिक टूल का उपयोग किया जाता है। तो एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने से काफ़ी सारी मतलब उसके अंदर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने से स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए हमें स्ट्रक्चरल चार्ट की जरूरत होती है, तो आंसर हो गया ए। जो किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करना है या चरणबद्ध तरीके से हल करना है उसको क्या कहा जाता है। प्लान, लिस्ट, एल्गोरिथम, या इनमें से कोई नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम कहलाता है, तो आंसर हो गया ए। DDL का पूरा नाम, DDL होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का बजाय DBMS का पोर्शन है, लेकिन यहाँ एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी डेटाबेस का रोल रहता है, तो उसके हिसाब से DDL की डेफिनेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो आंसर हो गया बी। निम्न में से प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए किस फेज का प्रयोग किया जाता है। प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, तो एज द नेम सजेस्ट प्रॉब्लम एनालिसिस, तो डेफिनेटली सिस्टम एनालिसिस फेज, आंसर हो गया बी। इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट क्या प्रस्तुत करती है। इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट गेट एक्सेस ऑफ पिक्चर ऑफ द सिस्टम, डिसीजन पाथ ऑफ को शो करना और सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करना, तो आंसर डेफिनेटली इसका सी है, ग्राफिकली प्रस्तुत करना। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट होते हैं, उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण कह सकते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। HIPO का फुल फॉर्म बताना है, तो HIPO हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या हायरार्की इनपुट प्लस आउटपुट, हायरार्की प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आंसर होगा ए, हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फ्लो चार्ट के क्या लाभ हैं। फ्लो चार्ट से ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, या इफेक्टिव एनालिसिस होता है, या रिप्रेजेंट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सभी काम फ्लो चार्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से DDS का पूरा नाम क्या है। DDS डेटा डिजिटल सिस्टम, डेटा डिटेल सिस्टम, डेटा डिक्शनरी सिस्टम, या डेटा डिजिटल डेटा सिस्टम, तो आंसर होगा डेटा डिक्शनरी सिस्टम। DFD में रेक्टेंगल सिंबल्स किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। रेक्टेंगल, एरो, स्क्वायर, ये सभी के बारे में जानना जरूरी है, तो आप देख लेना अच्छे से। DFD में रेक्टेंगल का प्रोसेस होता है एक्सटर्नल एंटिटी के लिए रेक्टेंगल एंटिटीज काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है SDLC का मतलब क्या होता है। SDLC होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम स्पेलिंग सही कर लेना, SYSTEM, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कब किया जाता है। रनिंग द सिस्टम विद लाइन डेटा बाय एक्चुअल यूजर्स, टेस्टिंग चेंज मेड इन द एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोग्राम, ई चेकिंग द लॉजिक ऑफ वन और मोर मेकिंग प्रोग्राम इन द कैंडिडेट सिस्टम, उपयुक्त सभी आंसर इसका डी है। निम्न में से डॉक्यूमेंटेशन कब तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, तो आंसर होगा सभी स्टेज में। SDLC में कितने स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं, इसमें 6 स्टेप्स और स्टेजेस होते हैं, तो आंसर हो गया बी, 6 स्टेप्स। निम्न में से सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस के लिए फ्लो चार्ट, या डिसीजन टेबल, या सिस्टम टेस्ट डेटा क्या प्रयोग नहीं किया जाता। सॉरी, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्योंकि फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, DFD ये सभी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिस्टम टेस्ट डेटा होता है वो नहीं काम लेते, ये कुछ
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं सिस्टम टेस्ट डेटा। निम्न में से सिस्टम डिजाइनिंग चरण में कौन से टूल उपयोग नहीं किए जाते, डिसीजन टेबल होता है, फ्लो चार्ट होता है, डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ये सभी होते हैं, लेकिन पाई चार्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता। किसी भी इनपुट रिकॉर्ड या किसी सिस्टम पर अपने ओरिजिनल स्रोत पर वापसी की गई वापस की गई प्रक्रिया का पता लगाना कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ऑडिट ट्रायल। आंसर हो गया ए, ऑडिट ट्रायल। कन्वर्जन अलग चीज़ होती है, बैच प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन, ये अलग चीज़ होता है, लेकिन वापस हो जाना ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा ए, ऑडिट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 9, डिसीजन टेबल का उपयोग क्यों करते हैं, इन्फॉर्मेशन डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए, डेफिनेटली यही आंसर होगा। उसका कारण क्या है कि टेबुलर फॉर्म से होने के बाद में ये सभी प्रोसेस हमारे इससे रिलेटेड, डिसीजन पाथ बनाना, सिस्टम चित्र को प्राप्त करना, ये सभी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस सिस्टम का लाभ क्या है एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। तो डेफिनेटली ये अच्छा क्वेश्चन है, डेटा सभी एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, डेटाबेस में उपस्थित डेटा को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ये सभी बेनिफिट्स आ जाते हैं जब डेटा को डेटाबेस के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा फाइल एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा फाइल को कंटेन करता है, एक से ज़्यादा, तो आंसर है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। एक सिक्वेंशियल, एक इंडेक्स और इन्वर्टेड फाइल्स, लेकिन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल इसका आंसर होगा जिससे एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा फाइल्स को हम कंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में फाइल में से लीस्ट फाइल कौन सा है, लिस्ट फाइल कौन सा है, तो आंसर है वर्क फाइल, वो हमारी लिस्ट फाइल है, मास्टर प्रोग्राम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल नहीं है, वर्क फाइल इसका आंसर होगा। एसडीएलसी का पहला स्टेज क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेज हमारा होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी आगे का प्रोसेस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर एनालिसिस वगैरह चलेगी। फिर आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करा जाता है, बिल्कुल टेंजिबल इंटेंजिबल घटकों का मूल्यांकन बिल्कुल करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट के साथ कंपेयर किया जाता है, आंसर होगा डी, बिल्कुल सही आंसर डी, प्रिक्स बी। निम्नलिखित में सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, इंट्रैक्शन, बिल्कुल इंट्रैक्शन, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंसी, आंसर सभी होगा उपयुक्त डी, आंसर सभी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम होता है, बिल्कुल फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी होता है, तो आंसर सभी है, सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ठीक से देखो, कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ओपन एंड क्लोज सिस्टम, फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये कि निम्न में से सिस्टम का टाइप। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आंसर इसका डी, कौन सा नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त सभी। निम्न से कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करता है, ग्राफिकली डेटा फ्लो डायग्राम प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑडिट ट्रायल पीछे क्वेश्चन आया था, ये सिस्टम में कोई भी चेंज है उसको देखने के लिए यो और ऑडिट ट्रेसिंग करने के लिए यानी वापस जाने के लिए, तो दोनों क्वेश्चन आंसर बी और ए दोनों सही है। बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क जिसे कहते हैं, इसे टेक्निकल टेबल टेक्निक्स हैं, टेबल में डिस्कवरी करने का तरीका है, बिल्कुल कंपेयर टू कंपीटिटर्स उसके साथ में कंपेयर करने का भी है, तो आंसर डी उपयुक्त सभी। कपलिंग क्या है, कपलिंग एंड कोहेंशन से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, तो ये ध्यान से देखने का, कपलिंग दो मॉड्यूल के मध्य रिलेशंस को कपलिंग कहते हैं, और कोहेंशन क्या होता है, कोहेंशन में हम क्या मॉड्यूल के एलिमेंट्स के मध्य रिलेशंस कर देते हैं, तो आंसर इसका सी है, मॉड्यूल्स के एलिमेंट के मध्य रिलेशन। डिजाइनिंग तथा डेटाबेस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कौन करता है, आंसर है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि प्रोग्रामर, टेक्निकल राइटर, मैनेजर ये नहीं करते, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट आंसर है डिबगिंग क्या है, डिबगिंग आइडेंटिफाई दी एरर्स, तो आंसर होगा एरर को ढूंढना और उन्हें सही करना डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके बेस पे आपके सिस्टम की और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगला प्रोसेस जो भी बनना है वो डिसाइड होता है, तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट।
लास्ट क्वेश्चन में दो तीन मैंने फुल फॉर्म डाला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, जैसे CMM क्या है। CMM है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। SRS के फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। DFD की फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम होता है। कोकोमो मॉडल, ये बेसिकली मॉडल है तो आपके डिज़ाइन की कंस्ट्रक्ट कॉस्ट निकालने के लिए होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इसकी फुल फॉर्म है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स।